Assalamu alaikum and welcome to your show. Actor banna sabke bas ka kaam nahi hai. Kuch log hote hain who are born actors. Kuch log seekhte hain, kuch log bahut lessons lete hain. Magar jo mere do dost jaaye hue hain, unhone seekha nahi hai. Wo ek dafa camera ke aage unhone kadam rakha hai and you guys fell in love. Pehle guess ki main introduction mein zyada kuch nahi kehna chahunga. Sirf yehi kahunga ki he is one of my closest and dearest friends. Ladies and gentlemen, he is the one and only Mikaal Zulfiqar. Welcome to the show, Mikaal. Thank you, Shiv. तुम्हारे अंदर जो ये देसी पन जो है और तुम्हारे अंदर जो गोरापन है, तुम्हारा ख्याल है कि ये तुम्हारी एडवांटेज है तुम्हारे बिजनेस के अंदर कि तुम दोनों रोल्स इतने इजीली अदा कर सकते हो? You know, as an actor, आपको बहुत सारे डिफरेंट रोल्स जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं. So the more experiences you have, जितना ज़्यादा आपको आपने दुनिया को एक्सपीरियंस किया होता है उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको पोर्ट्रे कर लेते हैं. तो हाँ, having the best of both worlds in a way, कि इंग्लैंड से भी और पाकिस्तान से भी. सो I think yeah, I suppose एक advantage रहा है उस चीज़ का. और तुम्हारा ना सिर्फ advantage इस बात पे रहा है, तो मैं गोरे भी गोरे बच्चे बल्कि मैं देसी ज़्यादा हूँ. अब तुम हो ऐसे काफ़ी देसी. तो मैं खाने पीने का जितना शौक है लोग जानते नहीं मुझे. लोग भी जो है ना, और जो मेरा रहन सहन है और जो मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग है वो वेरी वेरी देसी है. मैं बल्कि मैं 13 या 14 साल का था एंड आई वॉज लिविंग इन इंग्लैंड एट द टाइम, वेरी सेटल्ड देयर. एंड वन डे जस्ट डिसाइडेड के बस मैंने यहाँ नहीं रहना, बस पाकिस्तान में मेरा दिल है, दिल दिल पाकिस्तान. मैं आ गया वापस. You connected to your roots. Yeah, yeah. मगर तुम्हारा पहला काम जो था वो तुम्हारा connected to your roots इतना नहीं था. जो तुम्हारा पहला काम था उसमें तुम जरा गोरे बोए थे, तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे अच्छी तरह याद है. अबरार और हक का गाना था, इमान अली तुम्हारे साथ थी, साथ तेरे नाल प्यार हो गया. याद है यार, हाउ कैन आई फॉरगेट. उसमें तुमने डंगरीज पहनी हुई थी और तुम पेंट कर रहे थे. That's how you became a star. बहुत लकी था. आई मीन यू नो, मैं अब सोचता हूँ अपने करियर के बारे में तो बहुत सारे चीजें थी विच happened itself, you know. And even that video, मैंने एक छोटा सा commercial किया था, which was the first thing I ever did. And वो commercial आसिम रजा direct कर रहा था. And then उसने ये video बनानी थी अबरार के लिए, तो मेरा उसमें बहुत छोटा सा role था हालांकि. तो उसने देखा, उसने 4-5 shots लिए and he came up and he's like, तुमने बहुत अच्छा किया. And you know, I was like, okay, I don't know, you know, कैसे हुआ. तो 2-3 हफ्ते later, you know, he called me and he was like, इस तरह I'm making this video and I want to take you in it. But it didn't always start off this way. तुम बहुत you're very handsome, very you बड़े fit हो, बड़े exercise करते हो. मगर बचपन में लोग कम जानते हैं कि तुम एक मोटे बच्चे थे. बिल्कुल, मैं अच्छे भले चबी बच्चे थे. जब तक मैं 16-17 था, I was a proper गोलू मोलू burger. और फिर इश्क हुआ पहला. और बस उसके बाद सिगरेट पीना शुरू किया और फिर तो ऐसे फ्लैट बॉडी आई. मगर ये सिगरेट पीना का ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीने की वजह से फ्लैट बॉडी आई. नहीं नहीं, वो टेंशन्स थी ना. मगर टेंशन्स बहुत थी. मैं आपको बताता चलूं कि क्या हुआ. कुछ सालों बाद जब इन्होंने काम शुरू किया तो हमने एक ट्रिप लिया. मुझे बताने दे, आई वांट टू टेल दिस. पहले हम सेट सीन करते हैं. सीन सेट करूं कि क्या हुआ. हम इंडिया जा रहे थे, अगले पड़ोसी मुल्क जा रहे थे. बहुत बड़े डिजाइनर है सभी साची और इनके जैसे लोगों का शो था. मैं डायरेक्ट ब्राइडल एशिया था. हाँ, मैं डायरेक्ट कर रहा था. मेरे साथ मिकी, जिसको मैं मिकी कहता हूँ, मिकाल था और हमारा एक और बड़ा अच्छा दोस्त इमाद इरफानी था. बिल्कुल. और हम सारे इंडिया गए. वहाँ शो पे सब मॉडल्स हैं जी, ये वो. हम लोग सारे बॉयज अभी तब यंग थे, बहुत ही छोटे थे. और बहुत इम्प्रेस हुए थे. दिस इज एटलीस्ट ये कुछ 12-13 साल. हाँ हाँ, बहुत एटलीस्ट 12-13 साल पुरानी बात है, जब मैं तकरीबन 18 साल का था. तो अभी हम लोग जहाँ गए तो बहुत इम्प्रेस थे. और फिर हम बाहर नाइट लाइफ देखने गए. बिल्कुल. वहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे और हम एक बस में थे. जी. और बस में से हमने वापस होटल वापस जाना था जहाँ हमारा कर्फ्यू लगा हुआ था कि इस वक्त तक आना है. नहीं, बड़ी सख्ती होती थी. हाँ. बड़ी सख्ती थी. हाँ. और क्या हुआ कि हम उस पार्टी से निकले और मिकाल साहब गायब. मैं, इमाद, हम लोग पूरी रात सड़क पूरे छापे हमने लगाए पूरी दिल्ली. यार, I feel so sorry, अब तुम्हें ढूंढने के लिए. I know. और फिर हम वापस होटल आए सुबह 6 या 7. मिकाल साहब कमरे में सो रहे हैं. 7 बजे वापस होटल आए और दरवाजा खोला और मिकाल साहब खराटे मार के सो रहे हैं. यार, मैं वापस होटल ही आया था. शुरू में होटल के कमरे में सो रहा था. और जब आपका इश्क हुआ तो तब आपका जो कपल था वो पाकिस्तान का एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट समझा जाता था. फिर इश्क खत्म हो गया और 2009 में तुमने सोचा कि तुम चलो
इंडिया और तुम हमारे पड़ोसी मुल्क गए मूवी बनाने और तुमने उसमें कहा भी कि तुम जा रहे हो अपना कोई नया खूबसूरत लव इंटरेस्ट ढूंढने। ओ, हो सकता है। हाँ। हाँ, ये तुमने मैं बड़ा दिल फेंक हूँ शेरू। हाँ, तो एक सेकंड में अभी कोई नहीं, मुझे नहीं पता गेस्ट कौन है, लेकिन हो सकता है दिल फेंकते फेंकते जब तुमने इंडिया में फिल्म की और तुमने इतनी मेहनत की और फिल्म जो है वो बैन हो गई, ये कैसा, हाउ डिड यू डील विद दिस? यू नो फॉर मी इंडिया हैज बीन अ बिट ऑफ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इंडिया जाने की ख्वाहिश होती है एज एन एक्टर, ऑब्वियसली एक बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड में, जब आप काम कर लेते हो एक इंटरनेशनल स्टेज जो है आपको मिलता है, लेकिन इंडिया एज अ पाकिस्तानी एक्टर जो है ना एक बड़ी रिस्की मार्केट है। एंड आई थिंक आई वाज लकी, आई थिंक आजकल जो सब कुछ फेस कर रहे हैं लोग, ये मैं बहुत पहले फेस कर चुका हूँ, दिस वाज इन 2008 और 2009 जैसे आप कह रहे हो। मैंने वहाँ एक फिल्म की थी शूट ऑन साइट जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मुझे इंडिया में बहुत सारी एक्सेप्टेंस मिली उसके बाद, और उसके बाद काफ़ी काम मिलना शुरू हुआ, और फिर एकदम मुंबई अटैक्स हुए 2008 में, और उसके बाद एक कम्प्लीट ब्रेक डाउन आया और एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो निकलता है वो निकला, और उसके बाद आई वाज सपोज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर और सब कुछ खत्म हो गया एकदम। एंड यूजली व्हाट हैपेंस इज कि जब आप, और ये हम सबके साथ होता है, जब आप इंडिया जाते हो तो आप यूजली पाकिस्तान को भूल जाते हो और आप अपना पूरा फोकस इंडिया पे कर लेते हो और फिर इंडिया आपको ठुट कर आता है एंड यू आर लाइक ओ शिट यू नो आई हैव नोवेयर टू स्टैंड एनीमोर। तो ये मुझे रियलाइजेशन शुक्र है मैं समझता हूँ कि पहले जल्दी हो गई, जल्दी हो गई। आई इवन ऑडिशन फॉर दिल मुश्किल। अच्छा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, या टू बी ऑनेस्ट इट वाज लाइक 3 सीन्स ये जो फवाद ने इसी रोल के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट सेइंग कि आई सेड नो, आई वाज स्टिल इंटरेस्टेड, आई थिंक दे एंडेड अप चूजिंग फवाद इन द एंड व्हिच इज ग्रेट, बट ओवरऑल यू नो इट डिडंट इंटरेस्ट मी। आई वाज लाइक यार फाइन इट्स HSY और अनुष्का शर्मा एंड ऑल, बट इट्स लाइक 2 सीन्स यार। I mean, बुला रहे हो, हाँ बुला रहे हो तो लेट मी डू समथिंग यार। आई एम अ परफॉर्मर, आई कैन होल्ड माय ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ वेदर इट्स HSY राय और अमिताभ बच्चन, सो लेट मी डू दैट। तुमने ना सिर्फ होल्ड योर ग्राउंड किया, तुमने तो धड़ल्ले के साथ ग्राउंड में आ गए हो। नॉट वन, नॉट टू, बट 4 मूवीज यू आर वर्किंग ऑन। एक वक्त में एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है और तुम्हारा सीक्रेट क्या है? आई सपोज व्हाट ड्राइव्स मी इज मैं फारिक नहीं बैठ सकता, यू नो वंस आई एम डन विद समथिंग, लाइक यूजुअली होता है एक शूट में आपके अराउंड अ मंथ, एक महीना, 30-40 दिन लग जाते हैं। सो वंस यू आर डन, रादर देन वेटिंग अराउंड और वो आएगा तो मैं कुछ और करूँ, आई जस्ट वांट टू, यू नो, आई वांट टू जंप ऑन टू द नेक्स्ट। एंड यू हैव जंप्ड ऑन द नेक्स्ट। और 4 फिल्म्स पकड़ने की थोड़ी सी जिद है, और अच्छा? वो मैं जिद ये बताता हूँ कि मैं 2-3 साल वेट करता रहा फॉर माई फर्स्ट फिल्म, और पहली फिल्म के बारे में ना एवरीवन सो कॉन्शियस, यू लाइक अच्छा डायरेक्टर ये होना चाहिए, रोल ये होना चाहिए, को एक्ट्रेस ये होनी चाहिए, एंड आई डिड दैट। मैं बड़ा स्ट्रिंजेंट रहा कि नहीं मैंने इसी के साथ काम करना है, और 2-3 चीजें मटेरियलाइज हुई फिर नहीं हुई। आई साइंड ऑन सेवरल प्रोजेक्ट, साइंड यू नो अबाउट टू शूट और पता चला 2 वीक्स के नहीं हो रहा या कुछ और हो गया या कास्टिंग चेंज हो गई है। सो इट केम टू द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि यार मैं इसके ऊपर हमेशा ही, मैं तो फॉर एवर पॉन्डर करता रहूंगा कि मेरा पहला प्रोजेक्ट क्या है, सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। एंड लिटरली नॉट टू से कि व्हाट आई पिक्ड अप वाज जस्ट रैंडम, आई मीन ऑब्वियसली सिलेक्टेड, you know, one has a number of opportunities at any one time. So, usme se mujhe jo best laga wo maine kiya. What a great go with the flow tumhari story hai yaar. I consider ke, you know, main, I also like the challenge always. And it's a challenge that we are going to love and enjoy watching. Aur tumne kaha ki tumhari zidd hai ki tumne karna tha. Ab meri bhi zidd hai ki main tumse ek sawal puchna hai. Wo ye hai ki kuch tum words hai jo bahut zyada istemal karte ho aur tum kehte ho FOP. ये FOP क्या होता है? मेरे A-levels के results, FOP. FOP? इसलिए तो model हूँ। और जब से मैं तुम्हें मिला हूँ, मिकी, there's so much that's changed. Now you're a father of 2 beautiful daughters, mashallah. After now that you're a father, क्या तुम अपने roles differently select करते हो? या has that not made a difference? Definitely. उसके लिए बल्कि मैं आपको एक example देता हूँ। मुझे उदारी में, मुझे एसन का role जो एसन ने किया, फिर that was offered to me initially. और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो सीन जो है जिसमें बच्ची को मोलेस्ट करना है, तो मैंने सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज आई न्यू इट वुड हैव बीन अ ग्रेट प्ले, लेकिन मैंने सिर्फ इसी वजह से उसको मना किया क्योंकि मुझे लगा मैं वो सीन नहीं कर पाऊंगा। और फॉर योर चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा रीजन है, लेकिन मेरा उसमें थोड़ा सा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ अभी तो छोटी हैं, लेकिन जब वो बड़ी होंगी, दे विल बी इंटेलिजेंट वुमेन ऑफ देयर ओन, एंड दे विल हैव सेंस इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे ये बाप का काम था तो ये सिर्फ ये काम था। And I hope ये बात मैं उनको, अभी तो नहीं, थोड़े अभी छोटी हैं, लेकिन eventually I would want के वो मेरे काम को बड़ा pride से लें।
so many people. You're a supermodel, tum star ho, tum television actor ho, tum walid ho, you're a role model. If you could describe Mikaal Zulfiqar in one word, if you could tell me Mikaal Zulfiqar is this, one word, what would that be? I think hardworking. Hardworking? Hardworking. Fantastic. Ladies and gentlemen, how hardworking is he on the roles that he plays? That we know. We're going to hardwork on the competition that we're going to play with him. This will be our part. Keep watching. This is djuice Presents Tonight with HSY. Come right back. Welcome back after the break. So, hamari baat ho rahi hai to the incredibly talented, super handsome Mikaal Zulfiqar. Mickey, in a girl, what is the one thing that makes you go, wow? Surprisingly, maybe simplicity. Leh, chhod de. Yeah, I think first attraction jo hoti hai na, is I think features. Of course. Yeah, then you get down to the layers. Oh, kuch logon ki personality itni zyada hoti hai that it's bubbling over. It's so feisty. It's out there. No holds barred. That's true. Isi tarah ka, that's exactly the kind of guest we have. She's not only beautiful, she's feisty, she's no holds barred, and she's very talented. Ladies and gentlemen, she is absolutely beautiful. She is Ushna Shah. Welcome to the show. Thank you for having me. मैं बता दूं दिल फेंक दिया मैंने. हाँ फेंक दिया आपने. हाँ ये तो बहुत आसान है यहाँ दिल फेंकना. ये मेरी लाइन है by the way. मैं दिल फेंकूँ. तुम भी दिल फेंको. मैं भी हूँ. बात पे गई. High five. अच्छा. While you guys are high fiving each other, मैं आपको भी high five करता चलूँ. आप भी दिल फेंके. नहीं मैं बहुत दिल फेंकूँ मगर मैं हाँ इतना ज़्यादा नहीं. अल्लाह खैर करे. Ushna, congratulations. इतने कम टाइम पे you have won a couple of awards already. तुमने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा काम भी कर लिया. You have created a name for yourself. इतने कम टाइम में जितने लोग अभी established नहीं होते. तुम्हारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं है कि मैं बाहर सड़क पे जाती हूँ तो जैसे बियॉन्से जाती है इतने पापराज़ीज आ जाते हैं. So it didn't really affect it that much. You know, Pakistan mein celebrities aren't that big of a deal. Okay. So, and my friends are really cool. They couldn't care less. They just, agar mera koi billboard laga hua hai, toh wo tasveer khench ke koi WhatsApp group mein dal denge aur mazaak udayenge. So it really didn't affect my personal life that much. Magar personal life pe tumhe time kab milta hai kuch apne dosto ke saath? That's the problem. Time? Yeah, main matlab main, that's the biggest problem. You don't get time. Aap kahin ke nahi rehte because we're Lahore based. So, main, meri aadhi zindagi Karachi mein hoti hai, aadhi kahin aur, and I don't get to give time to the things I love. The friends are calling you up, yaar, kahan ho? And you're just like, and then they stop calling. Then they're like, you know what? Just die. We don't care. Tumhari ek movie aa rahi thi, Teri Meri Love Story. Just pe hum log sare itna expect kar rahe the. What went wrong? You want me to be honest? Yes. The producer dropped the ball heavily. Achha. You want me to be very blunt? Haan, please tell me. So when we read the script, we signed it because it was a great script and we loved it. और फिर जब हम उसे एक्सिक्यूट करने लगे और जब हम उस पर काम करने लगे तो हमने छोटी छोटी चीजें नोट की जो सही नहीं हो रही थी. जैसे कि हम दिन के कोई 10 सीन्स कर रहे थे, 6 सीन्स कर रहे थे, लाइन में खड़े होके, ट्रीटमेंट नहीं थी. उज्मा, मैं, मोहसिन सब कह रहे थे कि यार ऐसे नहीं फिल्म शूट होती, उन्होंने तो फिल्म मेकिंग भी थी. सो हमें समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है. फिर जब फिल्म पोस्ट पे गई तो उसकी ग्रेडिंग नहीं हुई. उसके रिलीज से पहले उसकी इतनी सी भी प्रमोशन नहीं, उसका एक बिलबोर्ड नहीं लगा, उसके कोई ट्रेलर्स नहीं लगे. हमें डबिंग के लिए नहीं बुलाया. डबिंग के लिए नहीं बुलाया? बुलाया ही नहीं. एट सिंक साउंड थी बट ऑब्वियसली उसकी फिर भी डबिंग चाहिए होती है. तो जब व्हेन इट एयर्ड, और वो एयर कब हुई, ईद से 10 दिन पहले, जो कि सबसे बुरा टाइम है एक फिल्म रिलीज करने का. तुम्हारा ख्याल क्या हुआ ये? मेरे ख्याल ये हुआ है कि रिलीज के अगले दिन सुनने में आया कि कोर्ट हियरिंग थी जिसमें उस प्रोडक्शन हाउस ने बैंकरप्सी फाइल करनी थी. तो वो एक छोटी सी चीज थी जो कि सैबोटेज हो गई. सब खुल रहा है इस शो में. सब खुल रहा है. आई एम नॉट अफ्रेड. मैं बहुत ब्लंट इंसान हूं. सो बेसिकली मेरी जो पहली फिल्म थी जिसके लिए मैंने बहुत वर्जिश की, वजन कम किया, एक्टिंग की, मेहनत की, कटास राज के गंदे से सर्वेंट क्वार्टर के रूम में 6-6 लड़कियां सोई विदाउट एन एसी. मुझे हाइपोथर्मिया, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया नारान में एक लहंगे में बर्फ में भाग के. That was all just to make it flop and to make it go bankrupt. And it was a great film. It was a great script. Lesson learned ये है कि मतलब be careful who your producers are. And another thing, मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी belt पे flop film है. तो मैंने कहा नहीं, मेरी belt पे flop film नहीं है. Flop film वो है जो एक बड़ी fancy सी एक film आई थी, जो कि नाम लो ना, नाम लो something मगर मोहब्बत से.
but everybody knew it was coming. Dekh magar and that's the flop. But you know, nobody lost from it. The director is doing well. The actors are doing well. Meri film ka kisi ko pata hi nahi chala ke aa rahi hai. Nobody, stop it, Mikaal. So nobody knew that I was doing this film. Yes. But my film was not a flop because to this day, mujhse log poochte hain, aapki film kab aa rahi hai? So it was not a flop because nobody knows. But it's okay. I got great friendships out of it. You got great friendships, yeah. You got great experience. Great experience. And साथ साथ लोगों के और support भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिला. Yeah. तुम्हारे दोस्तों का. मगर साथ में family में इतना ज़्यादा कभी support कम मिला. क्या मसला क्या था? The masala was that मेरी nature है to be a very outspoken, blunt person. उसकी वजह से मैं बहुत दुश्मनियाँ create कर लेती हूँ. By the way, you are on Facebook. I am on Facebook. I am in real life. I am. That's who I cannot pretend to be a saint. मैं नहीं हूँ, मैं नहीं इतनी. No, it's very bad. रिश्ते नहीं आते ऐसे. But मैं नहीं हूँ. And knowing this industry and knowing how गंदी and manipulative it can be, did not want me to be a part of it. And that created a lot of divide in my family. वो नहीं चाहते थे कि मैं sort of. और फिर मैं जब गई तो मैं अकेली आई industry में और मुझे exploit करने की कोशिश की गई. मैंने scandals face किए. और वही चीज का मेरी फैमिली को डर था. तुमने बात की स्कैंडल्स की. एक ऐसा स्कैंडल है जो से हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं. बिकॉज़ हमने कुछ दिन पहले मैंने देखा आपकी तस्वीरें लगी हुई थी उनके साथ, जिन एक्टर के साथ आपका स्कैंडल था. हुमायूं सईद. हुमायूं सईद, एब्सोल्युटली. हुमायूं के साथ. समझ नहीं आई कि मैं उनके साथ क्यों बैठी हूँ. तो आपने अब तक अगर ये स्कैंडल था, आपने क्लियर क्यों नहीं किया? इसकी कोई वजह थी? यार प्रिंसिपल, एक तो हुमायूं साहब के साथ इतने स्कैंडल्स हर एक के होते हैं. वो बेचारे बचते नहीं, बट आई थिंक वो एंजॉय करते हैं. ही इज वेरी हैप्पी. इज लाइक सारी बच्चियां मेरी हैं. हाँ, ये तो बात सही. सारी बच्चियां मेरी हैं. और ऑनेस्टली इट वाज अ रियली अगली स्कैंडल. किसी बहुत सैड इंसान ने अपने फेसबुक पे एनोनिमसली पोस्ट किया और मुझे पता है किसने किया. अच्छा. या देयर वाज अ टिफ बिटवीन माय सेल्फ एंड हिज फैमिली व्हिच गॉट सॉर्टेड, बट इट ऑब्वियसली वाजंट व्हाट दे सेड इट वाज. मैंने इसलिए नहीं उसे क्लियर आउट किया बिकॉज यू नो देन दे विन. जो वो स्कैंडल शुरू करता है फिर वो जीत जाता है. मैं अगर उसी को क्लियर करती रहूं तो फिर दैट्स व्हाट आई एम अबाउट. और फिर कल को वो एक नया स्कैंडल शुरू करेंगे, फिर मैं उसको क्लियर करती रहूंगी, फिर कल को वो एक और करेंगे. तुमने अभी कोई साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी अभी की तस्वीर लगी थी नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं था. तुमने पहले कह दिया कि लोग ये कहेंगे और इस तरह ये फील करेंगे तो उनको मैं पहले कह दूंगा दफा हो जाओ. थैंक यू सो मच मिकाल. मीकू हाई फाइव टू यू. थैंक यू. प्यारी लग रही थी. थैंक यू सो मच. मैं इधर थोड़ी सी एक बात डिस्क्लोज करूं, मैं बड़ा डरता हूं उष्णा से. क्यों मिकाल? आई एम ऑलवेज बैक टू यू. नहीं नहीं, शी इज अ ग्रेट बडी. लेकिन इस मैंने अभी तक ना, आई एम वर्किंग हर वेल. आई थिंक यू नो, मैंने उसको बडी जोन में रखा है. आई एम लाइक द मोमेंट उष्णा यही मेरा सवाल है कि ये जो उष्णा का जो जोन है कि आई विल से जो मेरा दिल करता है, ये तुम्हें व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट गुड फॉर दिस इंडस्ट्री. मेन डोंट टेक दैट इजीली. हां, मेन डोंट टेक इट इजीली एंड दिस इंडस्ट्री डजंट टेक इट. को स्टार्स किस तरह हैंडल करते हैं? दे डोंट मैन. मैं बड़ी लड़ाइयां करती हूं बट आई मेक फ्रेंड्स विद द राइट पीपल. आपने बड़े और एक्टर्स के साथ काम किया है, गुड लुकिंग स्टार्स के साथ काम किया जिनके नाम भी आपके साथ काफी दफा जुड़ा गया है. दानियाल हो गया, अली आगा, आई बिलीव हिज नेम इज, वो हो गए. ये इसमें कितना सच और कितना झूठ है? व्हाट हैपेंस इज कि जब मैं कोई ड्रामा करती हूँ ना और उसमें हीरो का कैरेक्टर अच्छा होता है तो मुझे उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है. लाइक ड्यूरिंग बशर मोमेंट आई वाज इन लव विद बशर. जब कैमरा ऑफ होता था और फैसल बनता था तो देन ही वाज माय बडी, बट व्हेन ही वाज बशर एंड सो आई फॉल इन लव विद माय कैरेक्टर्स अनफॉर्चुनेटली एंड देन आई फॉल आउट ऑफ लव विद देम. क्या है, मैं सुनता रहता हूँ कि तुम्हें स्लो ड्राइवर्स नहीं पसंद. ये स्लो ड्राइवर्स, हाउ डू यू नो अबाउट दिस? हां, ये तुम्हें क्या मसला, क्या स्लो मुझे ड्राइवर्स? मुझे स्लो कुछ भी नहीं पसंद. अच्छा. मेरी एक बहुत I like that. नो, व्हेन पीपल ड्राइव स्लो इट रियली बदर्स मी. बट देन फिर मेरी गाड़ी पे हमेशा डेंट्स होते हैं. मुझे भी ये इशू होता है. आई लाइक दैट. है ना? आई लाइक दैट. आई एम जस्ट लाइक मूव. अच्छा, तो बट बेसिकली यू आर इंपेशेंट. आई एम वेरी इंपेशेंट एंड दैट्स अ हॉरिबल थिंग. आपका सबसे बड़ा कंपटीशन इस वक्त कौन है? उष्णा शाह. जिस वक्त आप दूसरों का काम देखना शुरू कर देते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. मैं रिसेंटली आई वाज वेरी अपसेट क्योंकि मुझे एक रोल नहीं मिला जो कि मुझे चाहिए था एंड आई वाज वेरी अपसेट. कौन सा रोल था ये? अली जफर की फिल्म में कोई था एंड आई थॉट कि मैं परफेक्ट हूं उस रोल के लिए और मुझे नहीं मिला. माया. हाँ. सो जवाद भाई सॉट मी डाउन एंड ही इज लाइक, सुनो तुम इस इंडस्ट्री में माँ बाप से लड़के क्यों आई हो? रोने के लिए. मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करने के लिए. मुझे शौक है, मैं बचपन से मेरे अंदर एक फनकार है. इसे तुम अपसेट क्यों हो? इट्स अ रोल. मैक्सिमम कुछ रोल्स तुम्हें मिले हैं जिसके लिए दूसरी एक्ट्रेसेस अपसेट होती हैं. इट्स जस्ट वर्क, जस्ट एंजॉय इट. क्योंकि हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम इसमें क्यों आए.
ये इंडस्ट्री जब आप पे हावी हो जाती है एंड इट बिकम्स योर लाइफ, यू बिकम डिप्रेस्ड एंड एंग्री, और जब आप कॉम्पिटिशन में आते हैं तो आप और मिजरेबल बन जाते हैं. और कई एक्ट्रेसेस बदल जाती हैं, लाइक काफ़ी लड़कियां जो बहुत स्वीट और अमेजिंग होती थी, उनकी पर्सनैलिटीज यूँ फ्लिप हो गई हैं. देर ऑलवेज बैक बाइटिंग, देर ऑलवेज जेलस, देर ऑलवेज एंग्री, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज टेकन दम. एंड इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट लेट इट टेक यू, नॉट बी कंपेटिटिव, नॉट केयर अबाउट व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग, जस्ट डू व्हाट यू लव. बहुत सीरियस बातें कर रही है, बहुत कोई फनी बातें कर रही है. वो बातें कर रही है जो मुझे और आपको करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे. हम नहीं कर रहे, हम लोग इतने सीरियस बात कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और मैं क्योंकि औरत हूं तो मुझे डिग्री होना चाहिए. हेलो, ये कभी किसी ने नहीं कहा है ना, ये मेल शूविनिज्म आप लोग देख रहे हैं. उष्णा, मुझे एक बहुत मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर नजर आ रही है. उसके अंदर थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार, हर चीज मुझे नजर आ रही है. इफ उष्णा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्यार भी बहुत ज्यादा है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. हमारे एक ही असिस्टेंट रहा है इसलिए कह रहे हैं. इफ उष्णा को डिस्क्राइब हरसेल्फ इन वन वर्ड, व्हाट वुड दैट बी? Magnanimous. के उर्दू के मायने भी हम मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे भाई ने एक दफा मुझे डिस्क्रिप्शन दी थी दैट इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स व्हाटएवर, एंड दैट्स व्हाट आई वांट माय सिस्टर टू बी. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट उष्णा इज, वो लार्जर देन लाइफ. एंड सो प्लीज कीप दिस चैनल गोइंग. आप देख रहे हैं djuice प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY. कम राइट बैक. ब्लॉगर्स, बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लॉगर्स की जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर दुनिया में दिस इज चेंजिंग कम्प्लीटली. अनवर जावेद ना सिर्फ एक ब्लॉगर है, मगर वाटर पेयर उनका जो है वो ऐसी चीजें नोट करता है जो हम लोग, बहुत से लोग नहीं चाहते कि वो सामने आए. वो आपको एजुकेट भी करते हैं कि फैशन में क्या इन है, क्या आउट है, एंड क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है. वेलकम टू द शो. Thank you so much, Sheru. It's an honor to be here. Thank you. Being on the biggest, baddest show on mainstream television, for a blogger to be here, it means a lot. And Thank it you. Means a lot for us, for you to be here, because main chahta hoon ki aaj hum once and for all ye jo hai confusion settle karte. Yeah. क्या ब्लॉगर्स इंपॉर्टेंट है फैशन की दुनिया में या नहीं? आई थिंक ब्लॉगिंग और डिजिटल मीडियम फॉर दैट मैटर इज द प्रेजेंट एंड इज द फ्यूचर. आजकल व्हाटएवर यू वेयर, व्हाटएवर यू ब्रांड्स यू एंडोर्स, एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड ऑन द डिजिटल मीडियम. एक बहुत सवाल उठता है ब्लॉगर्स के ऊपर कि आप लोग तो लिखते हैं, ऑब्वियसली ओपिनियन मेकर्स हैं, आप लोग कहते हैं कि हाँ ये पहनो या ना पहनो, मतलब आपसे जो नाराजगी रहती है कि आप लोग उसके लिए पैसे भी मांगते हैं कि कुछ अगर आपको ब्लॉग के ऊपर पैसे मिल गए तो वो चीज अच्छी हो गई. क्या ये आपका सच्ची दिल की ओपिनियन होता है या आप उस चीज में आए होते हैं बिकॉज ऑफ अ फाइनेंशियल डील? देखें, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में एंड यू आर अ डिजाइनर, यू वुड नो कि व्हेनेवर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट अ वे कि वो आपके लिए फाइनेंशियली वायबल डील हो. बट एट द सेम टाइम जो बात आपने की है कि अपना ओपिनियन ही आपको बेचना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको किसी ने, ब्रांड ने पैसे दे दिए, यू शुडंट जस्ट, आपको ब्लाइंडली इंडोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, बिकॉज आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. आप जो बात कर रहे होते हैं वो लोग उसको देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं. लाइक अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज दीज डेज वो फेयरनेस क्रीम्स नहीं इंडोर्स करते, बिल्कुल नहीं करते. बट आई हैव टू से कि आप क्रिएटिवली कॉन्टेंट को जिस तरह आप डाल सकते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस ऑल्सो. अगर आप किसी ब्रांड के परचेज इंक्रीज कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट आस्क मनी फॉर इट. फेयर इनफ. लॉन हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, क्या लॉन को जरूरत है बाहर जाके शूट करने की? एज फार एज द विजुअल लुक एंड फील इज कंसर्न्ड, यस, इट कैन मेक एन इम्पैक्ट. अगर आपके बैकड्रॉप में सेंटोरिनी है या इटली है, ऑफकोर्स यू नो यू डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ बैकड्रॉप्स इन पाकिस्तान, बट आई डोंट थिंक इट्स एसेंशियल. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू पीपल, हमारी अम्मियां, हम सब ने एंड में जाके प्रिंट देखना होता है, कपड़ा देखना होता है, एंड नोबडी केयर्स कि वो सेंटोरिनी में शूट हुआ है या कहां हुआ है. एंड इन फैक्ट आई थिंक अ लॉट ऑफ लोकल ब्रांड्स आर शूटिंग विद लोकल मॉडल्स विद लोकल टैलेंट, एंड इट एब्सोल्युटली मेक्स नो डिफरेंस. लास्ट क्वेश्चन, इस इंडस्ट्री में आने से पहले कोई ऐसी चीज जो आप समझती हैं, आपने जो सीखी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है, जो आप बाकियों को सिखाना चाहें? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. मैंने काफी दफा ऑब्जर्व किया है कि लोग किसी से पूछे बगैर उनकी पिक्चर लगा देते हैं वेडिंग पे जाके. यू नो द हैशटैग वेडिंग ट्रेंड इज देयर, पीपल आर पोस्टिंग वीडियोस ऑफ डांसेस एंड स्टफ. आई डू नॉट अग्री विद दैट फर्स्टली. सो लाइक आई सेड, आपकी बहुत ज्यादा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज आप किसी की लगा रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है.
So you should be mindful of that. I have seen people backstage jaake models ki unse bagair pooche laga dete hain. That can create a lot of stir. We should be mindful of the sensitivities of our society. Bilkul. Not a lot of people take that positively. I completely agree with you. Thank you so much for being on our show. Ladies and gentlemen, smart, intelligent, suave, sophisticated and incredibly, incredibly spot on what she's saying. Please usko zarur follow karein. Anbar Javed's blog is called A Wardrobe Affair and it is one to check out and keep an eye on. Thank you so much. And when we come back, we'll have more of Mikaal and Ushna right here on djuice Presents Tonight with HSY. Welcome back after the break. So we're in conversation with Ushna and Mikaal Zulfiqar. Are you guys ready? Are you ready? हमेशा सेट पे लेट आता हूँ. हमेशा सेट पे भूख लग रही होती है. अच्छा सच से मुझसे बड़ा डीवा कोई नहीं है. बहुत ज्यादा रीटेक्स लेता है. डायलॉग्स का भी याद ही रहता है. अच्छा. Well, only this because it's not me. Only this because it's not me. I don't know about him. अच्छा. मुझे डायलॉग्स याद हो जाते हैं. Basically तुम कह रहे हो कि तुम ये कंपटीशन मुझे लगा. Awesome. Instead of this. हाँ मुझे लग रहा. Instead of this can we just do that? You don't remember dialogues. We do. हर वक्त चाय की ज़रूरत होती है सेट पे. डायरेक्टर के साथ हमेशा लड़ने की आदत. Depends director कौन है. अच्छा बहुत ज़्यादा clumsy होते हैं set पे. Not me. अच्छा always in a hurry to leave the set. मैंने जाना. Definitely. अच्छा. Whoa whoa. यार मजदूरी है यार. It's not Hollywood. हमें vanity vans नहीं मिलती है. हमसे 12-12 घंटे काम करवाते हैं. पागलों की तरह. It's not like हमें कोई मसूस आके massages कर रहा होता है. मजदूरी है proper. As I say, please look into the camera, ladies and gentlemen. Here's the such a truth. The such a truth is that they're both lying. Basically such a truth ये है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं. जिसकी वजह से मुझे next game उनका खेलनी पड़ेगी. और उसका नाम ही है कड़वा सच. आप क्या तैयार हैं? डैश को बहुत खाने का शौक है सेट पे. अहमद अली बट. No wonder. He loves food. डैश की ईगो जो है वो सुनामी जितनी बड़ी है. Unfortunately, very painful for everyone else. मोहित मिर्जा. अच्छा. And आगा अली. Don't stop all your head. अगर मैं एक रूमर फैलाऊं तो डैश उसके अंदर जरूर हो. हमजा अली बासी. डैश को आप रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए. ये भी मुझसे पूछना. हमायूं सईद. हमायूं सईद. ओह यू मीन हमायूं सईद. नो नो नो. डैश की शक्ल बड़ी प्यारी है लेकिन उसको अपना मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए. डैश की शक्ल बड़ी अच्छी है लेकिन उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए. उर्वा हुकैन. ओह बूम. उर्वा डैश हमारी इंडस्ट्री की बीबीसी. बड़ा बड़ा मैंने इंस्टाग्रामर्स और फेसबुक अकाउंट्स वालों के साथ पंगा लिया. तुमने पंगा लिया जो तुम्हारे साथ होने वाला है. Bring it on, baby. Bring it on, baby. डैश जो हैं वो इतनी ज़्यादा गॉसिप करती हैं उनको बीबीसी कहना चाहिए. गॉसिप. उमर सईद. उमर. Now, ladies and gentlemen, now that they've warmed up, now we're going to play the game. Game हमारी 50,000 रुपी gift voucher contradictions का. हम लोग कुछ 50,000 रुपी contradictions जो हसीन हमारे ये फर्नीचर सारा जो बनाते हैं इनकी तरफ से. I'll buy new coffee table. बिल्कुल. I like that table. That is a gorgeous table. Bring it, buddy. बहुत है. तो are you guys ready? This is one of the many games. 5 seconds हैं. 5 seconds में आपको तीन चीजों की तरह आंसर करना पड़ेगा. Are you ready? Okay. तीन हंसने के तरीके. Go. Okay. Very good. हाँ जी. तीन countries जिस जो M से start होती हैं. Moldova, Madagascar. माल्टा. तीन चीजें जो उड़ती हैं. पैसा. अगेन बर्ड्स एंड बेब्स. तीन तरीके बच्चों को सुलाने के. बच्चों को सुलाने का एक ही तरीका है बहुत प्यार से और थोड़ा रॉक दम टू बेड. लोरी सुना के. लोरी भी सुना के. लोरी सुनाऊं जो बच्चों को सुनाता हूँ. लोरी सुना के सुनाओ ना. ज़िप्पडी डू डा ज़िप्पडी ए. My, oh my, what a wonderful day.
Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo, zippity-ay. Wow! Can you adopt me? Can you adopt both of us? You are really good, man. You know, my nanny, who used to take care of me when I was little, recently I found out that she had left her house because she was getting the afeem in milk. So I think she will also get a lot of afeem. That's the way to make children sleep. I love this story. It went from zippity-doo to afeem. Wow, this is a show that you cannot beat. Okay, the three creatures that are in the water. Shark, whale, octopus. Okay, very good. That's That was pretty tough, yeah. That was pretty tough. 5 seconds is not enough. Five seconds ज़्यादा नहीं है और हम आपको अब तैयार हैं. तीन चीज़ें जिसको आप हाथ में पकड़ती हैं. Gear, microphone, a lipstick. Very good. तीन ऐसे अल्फाज जो word rain से rhyme करते हैं. Pain, gain, shame. Teen sports jinke andar balls they were all related to the butt. Did you realize that? I did realize that. Teen sports? Teen sports jinke andar balls ki zarurat nahi hai. Oh, swimming, crap, boxing. Too bad. Three things apni zindagi mein that make you go, ooh. My dog, my mom, my love. Oh, who's your love? Ex-love. Oh, is there a love? No. Is there a current love? No. Is the ex-love someone we should know about? No. Okay. So, then, three things that you eat very shocked. Biryani, lasagna, tacos, more lasagna, more pasta, cheeses, olives, antipasties, pizzas. मुझे एक theme नजर आ रही है. Pasta, Italian. I love my carbs. Okay. I love them. I was in Sicily recently. I love Sicily. Oh, okay. So good. आखिरी चीज, तीन चीजें जो आप एक आदमी में ढूंढती हैं. Honesty needs to smell good, needs to be self-made. There you go, ladies and gentlemen. While you take a small break and we find out someone who smells good is honest. Honest. On tisra kya tha? Self-made. Self. No daddy rich bad boys. Basically, hi, Sheru, basically both me and Zulfiqar fit the bill. Aap choti si break le. When we come back, we're gonna. मेरे ख्याल से रिश्ता पक्का करके episode end. रिश्ता पक्का शायद हो जाए, मगर शायद हमारा ना हो. कुछ तो रिश्ता पक्का होने लगा. You're watching djuice presents tonight with HSY. Come right back. We've got lots more. Welcome back after the break. हम बात कर रहे हैं उष्णा एंड मिकाल से जो बहुत ज़्यादा spirited, बड़े fiery, बड़े opinionated और बड़े मज़े के लोग हैं. Are you ready for our rapid fire round? इसमें आपको जल्दी जवाब देने पड़ेंगे. हरीम फारूक, सनम बलोच, आयशा खान, who's the star? सनम बलोच. Who's the extra? आयशा खान. And oh my God, so then हरीम is the villain. हरीम is the villain. An actor. You'd want to do a romantic scene with a ladki ke saath. Ab do actors hain, Firoz Khan ya Asfar Rehman, kiske saath hain? But I think Asfar is the obvious choice, isn't it? For obvious reasons. Wow. Underrated kaun tha jisko zyada attention nahi mili, Sajal Ali ya Maya Ali? Sajal. I think Sajal is still underrated, yeah. What comes to your mind when I say the following? Sticky. Toffee. Moist. Karachi. Bottom. Bottoms up. The weaker actor, Junaid Khan or Noor Hassan? Noor. Do you agree? You agree too. You both think Noor is a weak Noor, actor. Noor has a lot of potential. He's a great looking guy. Noor should focus on acting. Yeah, he's not. He's too perhaps. He's too busy gossiping. Focused on looking good, maybe. Noor is too busy. Way too busy gossiping. Gossiping. Whereas Junaid can't really look that good, so he has to act. Oh, boom. Challenge for Ushna. Which of these actresses is desperately in need of a nose job? Myra Khan, Urva, or Misha? I think Urva got one. So, a bad one. I guess Misha. Oh my God. Overrated. Okay. In dono mein se kaun tha? Kisko zyada lift mili
जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी, फवाद को या अली जफर को? फवाद just can't be overrated because it's फवाद. The weaker actress, Saira Shiroz या जाले? सारा. जाले is a good actor. You wake up in the morning and you suddenly find yourself कि तुम एक supermodel बन चुकी हो. कौन सी supermodel बनने चाहोगी? सुनीता मार्शल या सिबल चौधरी? सुनीता. एक इंसान अंदर कमरे में आता है, सबसे पहले तुम क्या सोचती हो? सजल अली. मैना. मायने? मैना जैसे लाइक वो बुलबुल. साइरा शिरोज. क्यूटनेस. मोमल शेख. फेमस फादर. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग? टेल. गेट. सॉफ्ट. वार्म. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग राउंड. मैं आपको ये बताता चलूं कि जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी एंड फॉर माय इंटरेस्ट, आप इनको प्लीज फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया पे, और फिर देखिएगा कि इनको कितने मजे मजे के ट्रोल अभी करना लोग शुरू करेंगे. दैट विल बी द मोस्ट फन. एंड आई जस्ट वांट टू सी उष्णा किस तरह रिएक्ट करेगी, बिकॉज़ उष्णा कह रही है कि उसको गुस्सा खत्म हो गया, मगर मुझे लगता है उसका गुस्सा भी थोड़ा वापस आने वाला है. आप दोनों के पास दो स्क्रिप्ट है, एंड ये स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे और मैं आपको वॉइस के ऑप्शन दूंगा. आप हुमायूं सईद. आप हुमायूं सईद और आप मीरा. Go. हाँ बोलो बबलू, क्या बात है? सुन रही हूँ. यकीनन तुमने अपनी नेकी की दास्तान सुनाने होगी मुझे. आजकल यही करते फिर रहे हो ना तुम? ये हुमायूं सईद है ना? हाँ. एक सेकंड. क्या क्या कह रही हो तुम खाने के लिए इतनी जल्दी दौड़ क्यों रही? Is that really a man? I don't know. That's really what he's famous for. The voice was dead on. Okay. Change. Ali Zafar and you are Sohail Ali Abru. Go. ये मामला बिगड़ जाएगा. आज तुम्हारा और मेरा मिलना बहुत जरूरी है. बबलू मेरी बात ध्यान से सुनो. मुझे तुम्हारे और किसी के भी किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे आइंदा फोन मत करना, समझे तुम? Good. Okay, hold on. I have to stop this call this quits. Ladies and gentlemen, this is a tough competition. But if it comes, if it jalta jayega, mere liye aur mushkil hota jayega. Congratulations, Ushna. You are the winner of a 50,000 rupee gift voucher from Contradictions. Congratulations. What a great job. I am going to be disowned, disbarred and dismembered. No. The amount of people that are going to come at me with pickaxes. The locusts are going to come and eat you up. I feel like the Frankenstein monster. But I want to ask you one question. Mikaal, do you not find that aajkal jo actors hain hamare bahut zyada un sab ki awaaz jo hai wo is tarah ki ho gayi hai, aur har banda ki awaaz jo hai wo deep hote hue jaake wo kehte hain yaar main pata nahi kya karne wala hu. Aisa hi hai. Humne na kuch galat cheeze adopt kar li hain yaar. Ek to kuch galat cheeze humne attitudes wise adopt ki hui hai, you know, late aana set pe ya jo late aata hai wo hi bada star hai, jabki aap internationally kahin bhi dekho, India mein aap jao, जो सबसे बड़ा स्टार है वो सबसे पहले पहुंचा होता है, वो सबसे ज्यादा हम्बल होता है, प्रोफेशनल होता है, आई थिंक हमने कुछ गलत चीजें अडॉप्ट की हैं. आवाज इज सिमिलर इवन परफॉर्मेंसेस वाइज, बट आई एम गोना चेंज वन ऑफ माय आंसर्स. आई थिंक फवाद इज मोर ओवररेटेड देन अली जफर, बिकॉज़ फवाद इज टॉलर, ग्रेट लुकिंग, वेरी चार्मिंग, लेकिन अली इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. मुझे भी याद है वो लिखता बहुत अच्छा, उसके गाने, उसकी सिंगिंग, the way he puts on a show. So he's not overrated, he's hard worker. They're extremely hard workers. No doubt. And they deserve to be where they are. As a human, ek cheez jo aap samjhein that you could change about yourself. I would want to be more patient. Okay, Mikaal. You know, sometimes I may think of something, yeah, you know, lekin main wo kehta nahi hu, main lihaz kar jata hu. And I think main lihaz bahut zyada kar jata hu logon ko. So I think agar main kam lihaz karna shuru karu to, I don't know, might work out better. I think that's why we're friends though, because we're opposites. Kind of works. Hai na? Aap dono ke aage tasveerein. If I would be so happy if you could please sign this for us, for our superstar wall. Aapka main shukriya ada karna chahunga. Thank you so much for being here on my show. This is what happens when talented people meet, and there's more than just talent, there's also friendship. Aur yahan yahi aapko nazar aaya. Thank you so much. Look forward to seeing you next week. Thank you. This is djuice presents Tonight with HSY. Tonight.